तो मुंबई में लगे हुए अवैध होर्डिंग्स पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। अब मुंबई के हर एक होर्डिंग्स पर QR कोड अनिवार्य करने के लिए सरकार को विचार करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, अवैध होर्डिंग पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त का, ये बार बार आने वाली समस्या, सरकार से जवाब भी मांगा गया है। अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के मुद्दे पर कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अनधिकृत होर्डिंग, बोर्डिंग, होर्डिंग, बैनर और पोस्टर बार बार आने वाली समस्या है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की गई है। ये भी कहा गया है कि दीवारों, सार्वजनिक दीवारों और सड़कों को खराब करने वाली अनधिकृत और अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के मुद्दे पर जनहित याचिकाओं में जो सुनवाई की गई, ये साफ कहा गया है कि QR कोड अब हर एक बैनर पर लगाया जाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कौन सा बैनर लीगल है और कौन सा नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई को छोड़कर राज्य के सभी नगर निगमों में 3 से 4 अगस्त को एक विशेष अभियान चलाकर 27,206 होर्डिंग हटाए गए। इतना ही नहीं, इस अभियान से 7.23 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया।